तो वापस चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा किसके साथ में, डिग्री के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं कार्बन का जो टाइप्स है, तो हम लोग सीखने वाले बेटा टाइप्स ऑफ कार्बन। तो जो कार्बन है, अगर हम उनको डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पास कार्बन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के हो जाते हैं बेटा? 4 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कार्बन जो हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफिनीशन के लिए चलते हैं, प्राइमरी कार्बन इज अटैच्ड, प्राइमरी कार्बन इज अटैच टू वन कार्बन बेटा, ठीक है। अब प्राइमरी कार्बन कौन सा कार्बन होगा? ये हमारे पास जो 1 डिग्री वाला होता है, इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। अभी लिख देते हैं, इसको प्राइमरी बोलते हैं बेटा। इसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, इसको हम लोग टर्सरी कार्बन बोलते हैं, टर्सरी कार्बन, और इसको हम लोग क्वार्टरनरी कार्बन बोलते हैं बेटा, क्वार्टरनरी, TERNERY, क्वार्टरनरी कार्बन बेटा, ठीक है। मे बी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, ठीक है, TERNERY, तो वो आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी कार्बन इज अटैच टू वन कार्बन, तो ऐसा कार्बन जो केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा या सेल्फ में एक कार्बन होगा, किसी से जुड़ा नहीं होगा, सेल्फ में एक कार्बन होगा, उसे हम लोग प्राइमरी कार्बन कहेंगे। ऐसा कार्बन एटम जो 2 कार्बन एटम से जुड़ा होगा उसको हम लोग सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे, जो 3 से जुड़ा होगा उसको टर्सरी कार्बन बोलेंगे, और जो 4 कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन इज अटैच टू 1 कार्बन डायरेक्टली बेटा। कैसा जुड़ा होना चाहिए? डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली इज एंड क्या लिख सकते हैं, सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड है, एंड सो ऑन, ठीक है। प्राइमरी कार्बन इज अटैच टू 1 कार्बन। तो अभी आपको मे बी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि कम समझ में आया, तो हमें एक एग्जांपल से लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, तो मैं उसके हिसाब से ले लूँ। चलो अच्छा, पहले स्ट्रक्चर टाइप में लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C एच बॉन्ड CH2 बॉन्ड C एच बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3, ठीक है। इस टाइप से हमने सपोज कर लो एक कंपाउंड लिया है। अब हमको बताना है कि जो कार्बन एटम है उनकी डिग्री क्या है, या फिर ये हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन प्राइमरी होगा, कौन सा कार्बन सेकेंडरी और कौन सा टर्सरी कार्बन होगा। तो हम लोग आराम से देखते हैं कि जैसे ये कार्बन है सपोज कर लो, तो हमको ये देखना होता है कि ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये वाला किससे अटैच है? एक कार्बन से अटैच है, बाकी इसके पास 3 हाइड्रोजन है। तो अगर ये एक कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1 डिग्री। इसको हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं, तो ये कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है? एक इस साइड से है और एक इस साइड से है, तो ये 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, इसलिए कितना हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। अब हम लोग आराम से बता सकते हैं कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये 1, 2, 3 और 4 कितने कार्बन एटम से अटैच है बेटा? 4 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 डिग्री, क्या हो जाएगा? 4 डिग्री या क्वार्टरनरी कार्बन हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन से, ये भी हमारे पास एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन की डिग्री आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो सेल्फ में एक कार्बन हो, जैसे यहाँ पर मैंने बात की CH4, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। जैसे मैंने बात की CH3 बॉन्ड CH3, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है। तो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री और 3 से जुड़ा हुआ बेटा तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो ये कितने हैं बेटा? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री। ये भी एक इस साइड से, एक इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री बेटा। ये भी एक इस साइड से जुड़ा हुआ है, एक इस साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? 2 डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 1, 2 और 3, 3 साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये वाला बेटा 1 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 डिग्री हो जाएगा।
क्लियर हुआ? तो डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा कार्बन प्राइमरी होगा, कौन सा कार्बन सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी। क्लियर है बेटा? ठीक है, एक बार क्लियरिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ बेटा? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन लेने के बाद हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। तो सपोज कर लो मैंने आपको एक कंपाउंड दिया है, ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन, इस कंपाउंड में कितने टू डिग्री कार्बन हैं। तो ऐसे कोई भी टू डिग्री थ्री डिग्री कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है। अब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। तो क्या है, जो लाइन्स होती है वो बेटा क्या करती हैं, बॉन्ड्स को बताती हैं, और जो पॉइंट्स या जंक्शन होते हैं वो क्या बताते हैं बेटा, वो बताते हैं हमको कार्बन एटम्स के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, तो एक ये इस साइड गया है और एक ये इस साइड गया है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, टू डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये भी एक इस साइड गया है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी टू डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। इसकी मैं बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, ये भी टू डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक इस साइड और एक इस साइड जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, टू डिग्री, क्योंकि ये भी दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन एटम है हमारा, ये तीन साइड से जुड़ा हुआ है, तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये थ्री डिग्री हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास थ्री डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करते हैं तो ये भी टू डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी दो साइड से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास दो डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ये इस साइड से जुड़ा हुआ कार्बन से, एक इस साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी बात करते हैं इस कार्बन की, तो ये भी टू डिग्री हो जाए, क्योंकि ये इस साइड से और इस साइड से दो कार्बन एटम से जुड़ा। काफ़ी सिंपल है, आपको देखने से ही बन रहा होगा क्वेश्चन आराम से। और ये कार्बन हमारे पास थ्री डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीन से जुड़ा हुआ है बेटा, ये टू डिग्री और ये वन डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ टू डिग्री की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर वन टू एक साइड से लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन की बात पूछी गई थी, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास एट आ जाएगा। ऐसे ही वो वन डिग्री पूछ सकता था या नंबर ऑफ थ्री डिग्री पूछ सकता था कि थ्री डिग्री कार्बन का टोटल नंबर क्या है, कितने थ्री डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आप कर सकते हैं ना इनको आसानी से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो फिर से हमारे पास सपोज कर लो मैंने एक क्वेश्चन फिर से दिया आपको, ये है हमारे पास में, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको मैं आपको आसान जो है इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये जो बेंजीन रिंग होती है, इसका नाम नेफ्थलीन होता है कंपाउंड का, ठीक है, अभी आगे सीखेंगे बेटा। तो ये एक्चुअल में वैसे तो डॉटेड लाइन में होता है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में होता है, बट अभी हम उसको रेजोनेंस हाइब्रिड में ना ले जाकर सिंपल सा बना देते हैं कि एक्चुअल में ये बॉन्ड्स में ऐसा बना होता है, ठीक है, ताकि आप अभी क्वेश्चन को कर सकें आराम से। ठीक है, ये जो लाइंस जो सर्किल बना होता है, इसका मतलब अभी आप ये समझिए कि ये अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड होता है बेटा, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पर है तो एक छोड़कर यहाँ पर, एक छोड़कर यहाँ पर, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन वही है, नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन बेटा। तो टू डिग्री कार्बन हमारे पास क्या हो जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, थोड़ा सा और इसको डिफ़िकल्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लगा दिया ये यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये यहाँ पर लगा दिया CHO ऐसे। तो कुछ भी कर सकते हैं बेटा, अभी हमको बताना क्या है, हमको बताना है नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन। तो टू डिग्री कार्बन का आंसर कौन बताएगा, बताइएगा जल्दी से, कितने आएंगे। तो कर सकते हैं, तो देखिए फटाक से आंसर, ये टू डिग्री है, अब आराम से देख सकते हैं, ये दो कार्बन से जुड़ा बेटा, ये भी टू डिग्री, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, टू डिग्री, टू डिग्री, ये हमारे पास थ्री डिग्री हो जाएगा, ये भी थ्री डिग्री हो जाएगा, ये टू डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा थ्री डिग्री यहाँ पर, क्योंकि एक दो तीन ऐसे जुड़ा हुआ बेटा, ये टू डिग्री है, ये वन डिग्री है, ये टू डिग्री है, यहाँ पर एक दो तीन, ये थ्री डिग्री है बेटा, और ये टू डिग्री है। ठीक है, दो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है।
तो नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन पूछा गया था, तो नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा बेटा, तो हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से आंसर हमारा क्या बेटा, 8 आंसर है। तो नंबर ऑफ टू डिग्री कार्बन कितने बेटा, 8 है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हटाएं इसको बेटा, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसमें आपको बताना होगा, ठीक है, इसमें आपको बताना होगा। जैसे सपोज कर लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, कमेंट करके बताइएगा। पहला है हमारे पास आइसो ऑक्टेन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन, इसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन आपको बताने हैं कितने होंगे। ठीक है, आइसो ऑक्टेन का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है। इसमें आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री बताना क्या है आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री जो कार्बन एटम्स हैं वो कितने होंगे, 1 डिग्री के कितने होंगे बेटा, 2 डिग्री के कितने होंगे और 3 डिग्री के कितने होंगे, 4 डिग्री के कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, सिंपल से क्वेश्चन बेटा, यहाँ पर बेंजीन दे दिया आपको, बेंजीन में बताना है, ठीक है, बताना क्या बेटा, वही 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड 4 डिग्री बेटा। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है, इसमें बता सकते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसमें बता सकते हैं, बताना क्या है बेटा, डिग्री बतानी है कार्बन की क्या डिग्री रहेगी। ठीक है, जैसे हमने ये ले लिया बेटा, और ये जो बीच में हम लोग स्फेरिकल से या सर्किल बना देते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया था, इसका मतलब होता है बेटा अल्टरनेट पोजीशन पर एक को एक छोड़कर एक बॉन्ड पे क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है बेटा, डिग्री बतानी है, किसकी डिग्री बतानी है बेटा, कार्बन की। क्लियर है बेटा, बता सकते हैं ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये क्वेश्चन करके बताने हैं कि कौन सा 1 डिग्री होगा और कौन सा 2 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है, करके बता सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपको हमने क्वेश्चन 6 दिए, आप कमेंट करके इनके आंसर हमको बताएंगे कि सर फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना है और थर्ड में इतना बेटा। ठीक है, कर सकते ना, या हम ही करवा दें क्या, कर लेंगे ना, समझ में आ गया बेटा। चलिए ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हमको जो है इसको आराम से डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक नोट हो गया बेटा। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं थोड़ा, जैसे हमने ये दिया आपको CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड बॉन्ड CH3। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन बताना बेटा, टाइप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन किस किस टाइप के यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री भी बता सकते हैं और रिएक्टिविटी की अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक कंपाउंड, ठीक है, तो कर सकते हैं आप, बता सकते हैं बेटा, आसान है, देखिएगा। तो यहाँ पर ये बेटा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, क्योंकि ये एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, ठीक है, ये वाला कार्बन जो है हमारे पास एक इधर से कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ बेटा, 2 से, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ये 3 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री, तो डिग्री निकालना सभी को आ गया ना, तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। तो अगर हम डिग्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारे पास आसानी से आंसर आ जाएगा। हम बोलेंगे सर इसमें 1 डिग्री के जो कार्बन है वो कितने बेटा, 3 हैं, ठीक है, 2 डिग्री के कितने बेटा, 2 डिग्री के भी 3 हैं, और 3 डिग्री के कितने बेटा, 3 डिग्री के कार्बन एटम बेटा 1 है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, बट यहीं पर अगर टाइप की बात की जा रही है, टाइप्स की या उनकी रिएक्टिविटी की, तो हम लोग थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे। अगर रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग हमें जो डिग्री है उसको भी सही से चेक करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ, तो ये जो हमारे पास कार्बन है ये कितना बेटा, 1 डिग्री है, ठीक है, ये कार्बन हमारे पास क्या बेटा, 1 डिग्री है, और ये हमारे पास क्या बेटा, 1 डिग्री,
पर क्या ये वन डिग्री सारे के सारे वन डिग्री क्या सेम है बेटा? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इस वाले हम वन डिग्री की अगर बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो वन डिग्री किससे जुड़ा बेटा? टू डिग्री से। जबकि यहाँ पर जो वन डिग्री है वो किससे जुड़ा बेटा? थ्री डिग्री से है। और यहाँ पर हमारे पास जो वन डिग्री है वो टू डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये वन डिग्री और ये वन डिग्री सेम है, बट ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों की रिएक्टिविटी जो है उस पर क्या होगा बेटा? डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक आएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, इसकी खासकर हम लोग टू डिग्री की देखते हैं। तो अगर टू डिग्री की बात करते हैं तो ये हमारे पास टू डिग्री है और ये भी हमारे पास टू डिग्री है, बट ये भी टू डिग्री, बट ये तीनों टू डिग्री जो कार्बन एटम है इनकी तीनों की रिएक्टिविटी अलग है। ये तीनों टू डिग्री जो है हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के हैं बेटा। कैसे हैं ये? डिफरेंट टाइप के हैं। कैसे? देखो तो हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हम लोग जो है यहाँ पर एक रूल फॉलो करते हैं, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम वाला या नियरेस्ट एटम वाला जो हमारे पास पास में होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो इस टू डिग्री पर अगर हम बात कर लें, सपोज़ कर लो, तो यहाँ पर ये टू डिग्री किसके साथ जुड़ा बेटा? थ्री डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। फिर थ्री डिग्री फर्दर किससे जुड़ा बेटा? टू डिग्री से, और वन डिग्री से जुड़ा हुआ है। अगर हम इस टू डिग्री की बात करते हैं, इस टू डिग्री की, तो ये किससे जुड़ा बेटा? ये वाला टू डिग्री जो है किससे जुड़ा हुआ था? थ्री डिग्री से जुड़ा हुआ था। यहाँ से देख सकते हैं थ्री डिग्री से, फिर टू डिग्री, वन डिग्री से जुड़ा हुआ है। जबकि ये आगे के साइड से थ्री डिग्री है, बट बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड वन डिग्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो नियरेस्ट एटम होते हैं, पास वाले एटम होते हैं जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, उनको भी देखते हैं। अगर वो चेंज हो जाते हैं तो फिर जो डिग्री है उसके डिग्री के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, डिग्री भले ही सेम हो लेकिन उनकी जो नेचर होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अगर सपोज़ कर लो जैसे ये हमने लिया, तो ये टू डिग्री है, तो यहाँ पर टू डिग्री किससे जुड़ा बेटा? वन डिग्री से। फिर किससे जुड़ा? टू डिग्री से। तो ये भी क्या है? डिफरेंट टाइप का है। कैसे? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया बेटा? थ्री आया और फिर टू डिग्री आया। तो बट बैक साइड भी क्या था बेटा? टू डिग्री था। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा? वन डिग्री हो जाएगा। ये किससे जुड़ा बेटा? ये वन डिग्री से भी जुड़ा हुआ है और टू डिग्री से भी जुड़ा हुआ है। जबकि ये थ्री डिग्री से भी जुड़ा हुआ था और टू डिग्री से भी जुड़ा हुआ था। ये हमारे पास थ्री से जुड़ा था और वन से जुड़ा हुआ था। तो इसका देखें तो ये वन थ्री आया बेटा, इसका देखें तो थ्री टू आ रहा है, इसका देखें तो टू वन आ रहा है। तो अगर आप टू डिग्री को देखते हैं तो सारे के सारे टू डिग्री की डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी बेटा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही? तो कई बार डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा बेटा? रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर सेवन हो जाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, क्यों? सभी की क्या बेटा? सभी की टेंडेंसी अलग अलग है, सभी की रिएक्टिविटी अलग अलग है, चाहे वो वन डिग्री हो या टू डिग्री हो या थ्री डिग्री हो। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, कैसे करना है? बस पास वाले आइटम देखने हैं। अगर नेक्स्ट वाला पास सेम आ रहा है तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ओवरऑल, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ, एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हाउ मेनी टाइप्स पूछा गया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेवन आ जाएगा। एक और चलो सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सपोज़ कर हमने ये ले लिया CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 बॉन्ड CH3। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? जैसे कई बार क्या होता है, जो मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहता है कि हम लोग कौन कौन सा हाइड्रोजन एटम हटाएंगे, हाइड्रोजन एटम हटाने पर कंपाउंड चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। वैसे तो हम लोग नॉर्मली इसको फोटो हैलोजिनेशन जो रिएक्शन आएगी, मतलब BOC का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके आगे पढ़ेंगे तब हम लोग ये सीखेंगे। पर जनरली अभी हम लोग यहाँ से अगर सही से सीख के चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वन डिग्री है, सही है, ये भी वन डिग्री बेटा, ये भी टू डिग्री है और ये भी। फिर से क्वेश्चन क्या बेटा? टाइप्स ऑफ पूछा गया है। तो अगर टाइप्स की बात करते हैं तो हमें पता है वन डिग्री है और टू डिग्री एटम है। तो वन डिग्री जो है वो दोनों सेम है क्या? तो चेक करना पड़ता है, ये वन किससे जुड़ा बेटा? टू से। ये वन किससे जुड़ा? टू से। मतलब ये दोनों वन डिग्री वाले क्या बेटा? ये दोनों वन डिग्री वाले सेम हैं, दोनों की रिएक्टिविटी क्या बेटा? बिल्कुल सेम हो जाएगी। क्या ये टू डिग्री वाला सेम है बेटा? तो ये टू डिग्री और ये टू डिग्री सेम है, क्योंकि टू डिग्री से जुड़ा है, ये टू डिग्री और वन डिग्री से जुड़ा हुआ है। ये भी क्या बेटा? ये भी टू और वन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कितने डिफरेंट टाइप के हमें मिलेंगे,
तो हम लोग बताएंगे यहाँ पर टू टाइप्स के मिलेंगे, एक वन डिग्री मिलेगा और एक टू डिग्री मिलेगा, जिनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, वन डिग्री की और टू डिग्री की तो डिफरेंट होगी, बट बाकी दूसरे टू डिग्री की सेम आ जाएगी। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता कि बताइए इसका हमने एक मोल क्लोरीन से क्लोरीनेशन करवाया तो कितने कंपाउंड, कितने प्रोडक्ट बनने वाले हैं, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री को नहीं लगा रहे हैं, नॉर्मल हम लोग बात कर रहे हैं कि कितनी जगह क्लोरीन आने वाला है बेटा, स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम बता सकते हैं एक बार यहाँ पर हो सकता है और एक बार यहाँ पर हो सकता है, चाहे इस साइड से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या है, यही तो बेटा बेसिक है, इसको हमें सही से सीख के चलना है कि जो डिफरेंट टाइप के कार्बन होते हैं तो डिग्री भले ही सेम होती है लेकिन उनके जो पास वाले एटम होते हैं अगर, तो उनको देखना होता है, अगर पास वाले भी सेम आ जाते हैं तो हम लोग तब तक देखते रहते हैं जब तक कंपाउंड या तो ख़त्म नहीं हो जाए या तो डिफरेंट नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब हमारे लिए जो आगे टाइप्स ऑफ कार्बन स्टार्ट होने वाला बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिएक्टिविटी के साथ साथ कॉमन नेमिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ रहेगा बेटा, और खासकर स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में भी इसका यूज रहता है, तो आप बहुत ही हमें ध्यान से पढ़ के चलना है बेटा। हम लोग स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कार्बन के टाइप्स हैं, जैसे पहले मैंने बात की सबसे पहले विनाइलिक की, तो जो विनाइलिक कार्बन होता है, विनाइलिक कार्बन, इसको मैं ठीक है विनाइलिक कार्बन की बात करता हूँ, विनाइलिक कार्बन, तो विनाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा, विनाइलिक कार्बन ऐसा कार्बन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है बेटा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा sp2 हो जो नॉन एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक मतलब जो एरोमेटिक, अभी हम लोग एरोमेटिक के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं बस आपको कि अगर ये बेंजीन रिंग तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे बेटा, बेंजीन रिंग वाले जैसे ये पाई बॉन्ड आते हैं, sp2 आ जाते हैं, एरोमेटिक वाले जाते हैं, तो अभी GOC जब हम लोग पढ़ेंगे तो आराम से सीख जाएंगे वहाँ पर कि एरोमेटिक कौन से जो है हमारे पास sp2 होते हैं। तो एरोमेटिक की हम अगर बात नहीं करते हैं तो नॉन एरोमेटिक जितने भी sp2 होते हैं कार्बन, वो सब विनाइलिक कार्बन हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होना चाहिए बेटा, sp2 होना चाहिए, sp2 कार्बन होना चाहिए और नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, बस ये विनाइलिक कार्बन की बात है बेटा। तो हम लोग चलो एक एग्जांपल के साथ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एग्जांपल लिया, एक ये एग्जांपल ले लिया, एक ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एक ये एग्जांपल ले लिया, एक ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा और हम लोग इसको बड़ा कर लेते हैं, सपोज़ कर लो मैंने एक ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है ये एग्जांपल ले लिया बेटा, ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर बने हुए हैं इसमें विनाइलिक कार्बन कौन से हैं या फिर विनाइलिक कार्बन कितने हैं, तो कर सकते हैं, बड़ा आसान है। कैसे बेटा, बस हमको एरोमेटिक छोड़ देना है, अभी एरोमेटिक के हिंट के लिए हमने बताया बेंजीन रिंग वाला, से ये है बेंजीन रिंग वाला, तो एग्जांपल करते हैं क्या ये विनाइलिक है, विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक है, sp2 है, sp2 निकालना आता है, sp2 के लिए हमने बस सिंपल सा ट्रिक बताया था बेटा, अगर एक कार्बन के पास डबल बॉन्ड बना है, एक डबल बॉन्ड है, तो वो क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड हो जाएगा, तो ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक, sp2 है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, विनाइलिक हो जाएगा। तो यहाँ पर बस हमको क्या देखना है, डबल बॉन्ड देखना है, तो ये भी विनाइलिक हो जाएगा और ये भी विनाइलिक हो जाएगा, ये भी विनाइलिक, ये भी, तो आसान है ना, बस sp2 होना चाहिए तो ये क्या हो जाएंगे, सब हमारे पास विनाइलिक हो जाएंगे, तो ये भी विनाइलिक है और ये भी विनाइलिक है। ठीक है, बस ये एरोमेटिक है तो इसमें कोई भी विनाइलिक नहीं होगा, इसमें ये दो विनाइलिक हो जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास विनाइलिक होगा और ये भी विनाइलिक हो जाएगा, sp2 होना चाहिए मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, बस विनाइलिक विनाइलिक ये भी विनाइलिक, जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग वाले हैं ये हमारे पास क्या होंगे बेटा, विनाइलिक नहीं होंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया हो उसमें पूछा जाए कि विनाइलिक कार्बन कौन सा है
उसको हम लोग आसानी से बता सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा किसमें बेटा, कॉमन नेमिंग में। कॉमन नेमिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान था विनाइलिक कार्बन। तो पहला क्लियर हुआ बेटा विनाइलिक कार्बन। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलाइलिक की। विनाइलिक के साथ एलाइलिक की बेटा बात करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं बेटा एलाइलिक कार्बन की। किसकी बात करते हैं? एलाइलिक कार्बन की बात करते हैं। तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है बेटा? एलाइलिक कार्बन बहुत ही सिंपल है। जो विनाइलिक कार्बन था, ठीक है, जैसे ये विनाइलिक कार्बन, ये बेटा विनाइलिक, ये विनाइलिक, तो विनाइलिक कार्बन के, विनाइलिक जो कार्बन होते हैं उनके जस्ट पास वाला जो कार्बन होगा, मतलब ये कहें विनाइलिक का बेटा पड़ोसी, कौन सा बेटा? विनाइलिक का, विनाइलिक का बेटा क्या होगा? पड़ोसी होगा जो। तो विनाइलिक से जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसे हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक कार्बन, ठीक है। तो हमको विनाइलिक अगर आ गया तो हम आसानी से उसमें एलाइलिक भी बता सकते हैं कि कौन सा एलाइलिक कार्बन होगा। तो विनाइलिक के साथ डायरेक्टली जो अटैच्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। तो क्लियर हुआ बेटा? तो विनाइलिक, विनाइलिक के पास वाला। तो यहाँ पर हम फिर से एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कर लो मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, एक ये एग्जांपल ले लिया, तो इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल हमारे पास आ सकता है। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ऐसे ये है, मान लो हमारे पास ये है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है करने के लिए, हमको बस तैयार रखना बेटा। तो अभी हम बात करते हैं जो sp2, मतलब जो डबल बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं? विनाइलिक। अब विनाइलिक से जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एलाइलिक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा। ये विनाइलिक, ये एलाइलिक, बेंजीन रिंग एरोमेटिक है बेटा, इसको छूना नहीं है हमको। तो ये विनाइलिक है sp2, तो जस्ट पास वाला ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? एलाइलिक हो जाएगा। समझ में आ रहा बेटा? आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। जितना आसान दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेटा इम्पॉर्टेंट है। आसान है ना बेटा? अगर हम लोग ऑर्गेनिक बेसिक से पढ़ रहे हैं ना, बेसिक से पढ़ रहे बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। अब बस मैं आगे कुछ कहूँगा नहीं कि आपका मेंस क्लियर हो जाएगा ऐसे ही बेटा, है ना, नीट ऐसे ही क्लियर होगा बेटा। बस आप बिलीव रखिए खुद पर, मेहनत करना अच्छे से। और कुछ बच्चे कह रहे थे सर बड़े सीरियस पढ़ाते हैं, बड़ा सीरियस होकर पढ़ाते हैं, मतलब सीधे पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बेटा हमको भी वही स्टूडेंट ज़्यादा पसंद हैं जो सीरियस होकर वाकई में पढ़ते हैं बेटा। बाकी जो मीडियम, मतलब बीच वाले जो बच्चे होते हैं, उनको तो हंसी मजाक भी चाहिए बेटा, हंसी मजाक के साथ साथ उनको पढ़ाई चाहिए। बट हमें थोड़ा सा टॉप लेवल वाले बच्चे पसंद हैं जो ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई करते हैं बेटा, ठीक है, अपने करियर के लिए जो ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो हमको अच्छा लगता है, हंसी मजाक भी अच्छा लगता है बेटा, लेकिन पढ़ाई के टाइम बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर आता है। अच्छा आपको तब तो ठीक है, बेहतर बेटा। चलिए वापस आते हैं बेटा, तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? विनाइलिक। ये भी विनाइलिक होगा, ये भी विनाइलिक होगा, ये भी विनाइलिक, sp2 है। तो ये जो है विनाइलिक का जस्ट पास वाला, ये क्या हो जाएगा बेटा? एलाइलिक हो जाएगा। ये हमारे पास विनाइलिक है, ये विनाइलिक है, तो ये पास में है, ये भी पास में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? एलाइलिक हो जाएंगे। विनाइलिक के जस्ट पास वाले, ये भी विनाइलिक है, ये भी विनाइलिक, तो ये और ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा एलाइलिक, ये भी हो जाएगा एलाइलिक। तो इस तरीके से हम लोग विनाइलिक और एलाइलिक बता सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि कौन सा इसमें विनाइलिक है, है ना। नंबर ऑफ एलाइलिक बताना है, ठीक है, एलाइलिक। तो एलाइलिक, नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन, और एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन के लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है? फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं। इसमें क्या बताना है आपको? नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन दोनों में कितने होंगे, ठीक है। आसान है, कर सकते हैं बेटा, ठीक है, हटाएं इसको। चलिए तो ये हमने सेकेंड टाइप का सीखा, विनाइलिक के साथ साथ एलाइलिक कार्बन क्या होता है। अब हम लोग आगे थर्ड पे चलते हैं।
कुछ लोग काफ़ी देर से सोच रहे हैं कि सर आप बेंजीन रिंग को छोड़ देते हैं तो बेंजीन रिंग वाले को क्या कहते हैं बेटा। तो जो बेंजीन रिंग वाला, जैसे सपोज कर लो, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ, हमारे पास जो थर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइलिक ऑब्लिक, इसको हम लोग बोलते हैं एराइलिक कार्बन। ठीक है, तो फिनाइलिक ऑब्लिक एराइलिक कार्बन क्या होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। कार्बन होना चाहिए कैसा, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए और एरोमेटिक होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है बेटा। sp2 हाइब्रिड हो, अब जो बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग का डेरिवेट, सो सीधी भाषा में अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग मतलब ये एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक क्यों होता है बेटा, जब अल्टरनेट पोजिशन पर पाई बॉन्ड हूँ, अभी उसका वैसे एरोमेटिसिटी का रूल ये होता है 4n+2, हम लोग आगे GOC में सीखेंगे एरोमेटिसिटी, तब क्लियर होगा कि आखिर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का केस होता है, हकेल रूल फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम लोग n=0, 1, 2 रख कर देख सकते हैं, 0, 1, 2 ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन इसके केस में आने चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, कंपाउंड प्लेनर कैसे देखते हैं, sp2 + sp हाइब्रिड होना चाहिए, तो ये कॉमन सी एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे sp2 हाइब्रिड हैं, निकालना तो सभी को आता है, तो sp2 जैसे ही होगा कंपाउंड कैसा हो जाएगा बेटा, प्लेनर भी हो जाएगा, तो ये प्लेनर है। साइक्लिक दिख ही रहा होगा बेटा, साइक्लिक मतलब जो रिंग फॉर्म हो जाए। और 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो अगर हम n=0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं, तो अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, रख के देख सकते हैं, यहाँ पर 1 करेंगे तो 4 × 1=4+2, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ऐसे हम लोग वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2, तो 2 यहाँ पे 2 4 और 2 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड साइक्लिक है, रिंग फॉर्म हो रही बेटा, प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिड है। तो इस तरीके से हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज़ किसी भी कंपाउंड में आती हैं तो वो कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो अब वापस आते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या बेटा, एरोमेटिक है, ये हमारे पास क्या बेटा, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक में अगर sp2 हाइब्रिड होता है तो ऐसे कार्बन को हम लोग फिनाइलिक या एराइलिक कार्बन बोलते हैं, फिनाइलिक या एराइलिक कार्बन बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये कार्बन सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटे, ये सारे के सारे फिनाइलिक कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, फिनाइलिक कार्बन, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, बेंजीन के साथ नेफ्थलीन ले लिया, ठीक है, तो इसका मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, अल्टरनेट पोजिशन पे पाई बॉन्ड का होना, तो 1, 2, 3 ऐसे, तो ये भी बेटा क्या है, एरोमेटिक है। तो इसमें भी ऑल कार्बन आर फिनाइलिक, तो इसमें भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कार्बन sp2 हाइब्रिड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, हकेल रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 10 आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, फिनाइलिक हो जाएगा। ठीक है, फिनाइलिक या एराइलिक, जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम आ जाए इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्स कर लेते हैं, एक्स हैलोजन होता है बेटा, पढ़ चुके होंगे, इसको बोलेंगे एरिल हैलाइट, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एरिल हो जाएगा कॉमन नेम, ये एक्स हैलोजन तो हैलाइट बोलेंगे। जैसे चलो हमने इसका नाम बोला, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लोरोफिनिल, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे, एरिल क्लोराइड बोल सकते हैं कॉमन नेमिंग में, एरिल क्लोराइड, या फेनिल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फेनिल क्लोराइड, क्योंकि ये फिनाइलिक भी होता है और एराइलिक भी होता है। अभी क्लियर हुआ बेटा, फिनाइलिक क्या होता है और एराइलिक क्या होता है, मतलब फिनाइलिक एराइलिक एक ही बात होती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हम लोग फिनाइलिक वाला क्लियर कर चुके हैं कि फिनाइलिक कार्बन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास नंबर जो भी हो, 4 नंबर मेरे ख्याल से होगा, तो हम लोग बात करते हैं बेटा बेंजाइलिक की, कि बेंजाइलिक जो होता है, बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला है कॉमन नेम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा, और हमको अच्छे से समझ के चलना है।
हमको डिटेल में पढ़ के चलना है और अच्छे से समझ के चलना बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है, ठीक है। बस हमको करना क्या बेटा, अच्छे से बस बेसिक से जैसे पढ़ाते चल रहे हैं बस चीज़ों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और बात होती है बेटा, सही से पढ़ के चलना, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बेटा रिकॉल करना, रिवाइज करना। हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिवाइज करते रहते हैं जिससे चीज़ें आसानी से हमको याद हो जाती हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी टॉपिक हो रिवीजन तो मांगता ही है, ऑर्गेनिक का बस बेसिक सा फंडा है, आप अच्छे से समझिए और फिर क्या करना हमको, हमको जो है बेटा अच्छे से रिवीजन करना है। तो वेंजाइलिक क्या होता है, जो फिनाइलिक होता है, फिनाइलिक कार्बन, उसका जस्ट जो है पड़ोसी जो डायरेक्टली अटैच होगा, तो फिनाइलिक का हम लोग बोल सकते हैं फिनाइलिक का पड़ोसी, ठीक है। जो फिनाइलिक का पड़ोसी होगा उसको हम लोग वेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो फिनाइलिक क्या होता है, जो sp2 होता है, एरोमेटिक होता है, मतलब जो वेंजीन रिंग वाले जो कार्बन एटम थे उनको हम, उनको हम क्या बोलते थे बेटा, फिनाइलिक। तो उसके जस्ट पास में जैसे ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये जो हमारे पास कार्बन होगा ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये वेंजाइलिक हो जाएगा। तो फिनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ जो डायरेक्टली फर्स्ट कार्बन होगा, जस्ट पड़ोसी वाला जो कार्बन होगा, उसको हम लोग वेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है हमारे पास कैसा हो जाएगा बेटा, तो ये वाला कार्बन हमारे पास क्या होगा, वेंजाइलिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वेंजाइलिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारा कैसा होगा बेटा, फिनाइलिक होगा, ये कैसा होगा, फिनाइलिक होगा, ये कैसा होगा बेटा, विनाइलिक होगा, ये विनाइलिक होगा, और ये हमारे पास कैसा हो जाएगा बेटा, वेंजाइलिक हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है, बच्चे सोचते ही हैं कि सर ये बेंजीन रिंग से भी जुड़ा है और विनाइल से, तो विनाइल से जुड़ा है तो एलाइलिक होना चाहिए, और फिनाइल से जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये कैसा होना चाहिए, बेंजाइलिक होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोग इसको बेटा बेंजाइलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेंजाइलिक, मतलब एलाइलिक के कंपैरिजन में टेंडेंसी हम लोग किसको देते हैं बेटा, बेंजाइलिक को देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा, ठीक है, बेंजाइलिक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रफ करें इसको, चलिए, तो बेंजाइलिक कार्बन समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास हम लोग बात करते हैं बेटा ब्रिज कार्बन की, ब्रिज हेड कार्बन की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, ब्रिज हेड कार्बन की, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन की बेटा। तो ब्रिज हेड कार्बन, या इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ब्रिज कार्बन, ब्रिज कार्बन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जैसे पहले हम बाई साइक्लो की बात कर लेते हैं। देखो साइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं, साइक्लो कंपाउंड हमारे पास ये होता है एक साइकिल कंपाउंड, जब एक रिंग फॉर्म होती है इसको हम लोग साइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसे ही जैसे ये साइक्लो प्रोपेन हो गया, साइक्लो प्रोपेन थ्री मेंबर रिंग है, तो तीन को हम लोग प्रोपेन बोलते हैं बेटा, प्रोपेन। ये हमारे पास अभी आगे सीखेंगे, टेंथ में इतना तो सीखा ही होगा कि तीन को प्रोप बोलते हैं ऐसे। तो ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, अब जब दो साइकिल कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, जैसे हमने यहाँ पर इसको जोड़ दिया ऐसे, तो जब दो साइकिल कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं उसको, बाईसाइक्लो बोलते हैं, ठीक है। और बाईसाइक्लो में भी दो टेंडेंसी होती हैं, दो टेंडेंसी कैसी होती है बेटा, एक नॉर्मल बाईसाइक्लो होता है, जैसे यहाँ पर हमने इसको लिया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास में नॉर्मल जो है फ्यूज्ड क्या हो जाएगा बेटा, फ्यूज्ड वाई साइक्लो हो जाएगा। ये कैसा होगा बेटा, फ्यूज्ड वाई साइक्लो। और अगर इसमें जो ब्रिज वाला कार्बन है, वाई साइक्लो कंपाउंड्स में जो रिंग्स होती हैं साइक्लिक रिंग, उनके बीच में दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं, उनके बीच में क्या होता है बेटा, दो एटम कॉमन होते हैं। तो यहाँ पर दो कार्बन एटम, यहाँ पर दो कार्बन एटम क्या बेटा, कॉमन है, तो इसको हम लोग बाईसाइक्लो बोलेंगे, ठीक है। अब बाईसाइक्लो में कैसा है, फ्यूज्ड है, क्योंकि जब ये हमारे पास जो ब्रिज होता है, मतलब जो कॉमन एटम के साथ बॉन्ड बना होता है ब्रिज, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो ब्रिज में कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ये वाले बेटा, ये और ये, यहाँ पर बात करूँ तो ये और ये, तो ये आपस, ये क्या होंगे बेटा, इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन,
इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ब्रिजेट कार्बन बोलते हैं या ब्रिडिट्स कार्बन बोलते हैं, ब्रिडिट्स कार्बन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने बात की, ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर ब्रिज की बात करें तो दो कॉमन बेटा, जहाँ पर रिंग जुड़ रही है, तो एक ये यहाँ से जो रिंग जुड़ रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनको बोलेंगे ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रिज हेड कार्बन हो जाएंगे। तो ब्रिज हेड कार्बन वो होते हैं जहाँ पर दोनों रिंग आपस में जुड़ रही होती हैं, तो जो कॉमन एटम होते हैं दोनों रिंग्स के लिए उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन या ब्रिज कार्बन। ठीक है, और बाईसाइक्लो और स्पायरो क्या होता है बेटा, तो अगर दो रिंग आपस में जुड़ रही हो बेटा, उनमें दो कार्बन एटम कॉमन होते हैं तो उसे बाईसाइक्लो कहते हैं, और अगर एक एटम कार्बन एटम कॉमन हो, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ इसका, तो यहाँ पर एक कार्बन एटम कॉमन है, तो अगर एक कार्बन एटम कॉमन होता है तो उसको हम लोग स्पायरो बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पायरो बोलते हैं। ठीक है, तो स्पायरो में एक कार्बन एटम कॉमन होता है, अगर दो रिंग आपस में जुड़ रही हो एक कार्बन एटम के कॉमन हो, एक कार्बन एटम के साथ जहाँ पर जुड़ रही हो बेटा, उसको स्पायरो बोलते हैं। दो कार्बन एटम होंगे उसको बाईसाइक्लो बोलेंगे। बाईसाइक्लो में दो है बेटा, एक हमारे पास फ्यूज्ड बाईसाइक्लो होता है। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कब होता है, जब बीच में जो ब्रिज है, ब्रिज में कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट ना हो, जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं उनके बीच में और कोई कार्बन एटम नहीं आएगा, तो उसको हम लोग नॉर्मल सीधा बॉन्ड होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जो है नॉर्मल फ्यूज्ड बाईसाइक्लो बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बाईसाइक्लो, इसको बोलते हैं नॉर्मल बाईसाइक्लो। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिज वाला है, इसके ब्रिज वाले जो कार्बन एटम होते हैं उनके बीच में भी कोई ना कोई कार्बन एटम होते हैं। एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया ऐसे, ठीक है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें दो कार्बन एटम कॉमन है जहाँ पर रिंग जुड़ रही है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड। दो रिंग कैसे जुड़ रही है ये समझ में आ रहा है, देखो एक रिंग यहाँ से होगी ऐसे ये, ठीक है, और एक रिंग बेटा ये ऐसे यहाँ से जुड़ी है ऐसे ये। ठीक है, ध्यान देना, एक इसको छुपा लें थोड़ा ऐसे, देखो तो ये साइक्लोब्यूटेन है, चार कार्बन एटम बेटा, और अगर इसको बनाते हैं इसको हटा दें तो ये भी साइक्लोब्यूटेन है। तो यहाँ पर दो कार्बन एटम कॉमन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर बना देते हैं इसको। तो कैसे बनाते हैं हम लोग, जैसे सपोज कर लो ये है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन और ये भी हमारे पास क्या है, साइक्लोब्यूटेन है। दोनों को जो हमने ऐड किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, बाईसाइक्लो, ये बन गया ब्रिज कार्बन। अब इस वाले ब्रिज को हमने पकड़ कर बाहर की तरफ खींचा ऐसे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ गए जाके, तो ये जाके स्ट्रक्चर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा जाके। तो ये ब्रिज हेड कार्बन है और इसमें कार्बन एटम बाहर, मतलब जो हमारे पास ब्रिज है उसके अंदर भी कार्बन है बेटा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बाईसाइक्लो। ठीक है, ये क्यों बता रहे हैं, इसमें एक खास बात ये होती है, आगे हम लोग रिएक्टिविटी और उसमें जो है स्टेबिलिटी में भी पढ़ेंगे, कि जो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो होते हैं, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में डबल बॉन्ड यहाँ पर बन सकता है बेटा, मतलब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होता है फ्यूज्ड में, फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में जो ब्रिज हेड होता है वो sp2 बन सकता है। sp2 होने के लिए मतलब डबल बॉन्ड बना सकता है या फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। कब आएगा पॉजिटिव चार्ज बेटा, जब फ्यूज्ड बाईसाइक्लो होगा। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो में क्या होगा कि अगर जो हमारे पास ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड कार्बन के भी जो बॉन्ड बना हुआ है उनमें कोई भी बीच में कार्बन एटम नहीं है, तब पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन हम अभी बताएंगे। और जो है अगर नॉर्मल बाईसाइक्लो, मतलब अगर जो हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है उनके बीच में भी कोई कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। sp2 नहीं हो सकता मतलब डबल बॉन्ड नहीं बन सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता है। पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, किस केस में नहीं आ सकता बेटा, बाईसाइक्लो के नॉर्मल केस में नहीं आ सकता। फ्यूज्ड में आ सकता है बट उसमें नहीं आ सकता, नॉर्मल केस में नहीं आ सकता। ठीक है, हटाएं इसको बेटा। अब बात ये आती है कि ऐसा क्यों होता है बेटा, जो हमारे पास बाईसाइक्लो कंपाउंड होते हैं ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये होता है, जैसे मैंने ये बात ये लिया, तो ये हमारे पास फ्यूज्ड बाईसाइक्लो है। तो फ्यूज्ड बाईसाइक्लो दो रिंग है, एक हमारे पास सपोज कर लो कैसी रिंग है, तो एक हमारे पास रिंग
एक ये रिंग है बेटा और एक ये रिंग है, तो दोनों रिंगें आपस में ऐसे जुड़ी हुई, सपोज को मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, तो ये रिंग आपस में ऐसे जुड़ी हुई है बेटा, तो ये दोनों देखेंगे तो आप एक ही प्लेन में है बेटा, और अगर एक ही प्लेन में है तो एक ही प्लेन में होने की वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड भी क्या होता है बेटा, प्लेनर होता है। sp2 में कैसी आकृति शेप आती है बेटा, प्लेनर आ जाती है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन भी बन सकता है, प्लस चार्ज भी आ सकता है, और डबल बॉन्ड बन सकता है क्योंकि यहाँ पर प्लेन स्ट्रक्चर आता है। लेकिन जैसे ही ऐसा होता है कि यहाँ पर फ्यूज्ड की बजाय यहाँ पर हम लोग एक बीच में भी कार्बन ले लें, ब्रिज हेड के बीच में एक कार्बन लेते हैं, तो एक हमारे पास रिंग कैसी रहेगी, एक हमारे पास ये सपोज कर लो एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और जो नेक्स्ट कार्बन है यहाँ पर ऐसे सपोज कर लो ये प्लेनर, मतलब एक रिंग ऐसे इस साइड बोर्ड के है, एक इस साइड, और जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट वाला जो है ऐसे जुड़ा होगा बेटा, ठीक है। कैसे जुड़ा होगा बेटा, ऐसे जुड़ा होगा, मतलब यहाँ पर एबव द प्लेन होगा, प्लेन से बाहर होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, तो डबल बॉन्ड बनाने पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनाएंगे तो sp2 हाइब्रिड हो जाएगा बेटा, और जो मॉलिक्यूल्स है या कंपाउंड है वो कैसा बनने लगेगा बेटा, प्लेनर बनने लगेगा। कैसा हो जाएगा बेटा, प्लेनर हो जाएगा। और अगर कंपाउंड प्लेनर होगा तो हम देखते हैं कि ये प्लेनर ऐसे था और ये बॉन्ड ऐसे जुड़े हुए थे, तो ये बॉन्ड ऐसे करेंगे तो बेटा इससे क्या होगा, एंगल स्ट्रेन आ जाता है, मतलब ये जो रिंग हमारे पास बनी हुई थी ये रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अगर रिंग ब्रेक हो जाएगी तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जाके कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। इसीलिए हमारे पास जो नॉर्मल बाईसाइक्लो होते हैं, मतलब जो ब्रिज हेड कार्बन होते हैं, उनके बीच में भी अगर कार्बन एटम आएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या फिर डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो ये जो बाहर की तरफ रिंग निकली हुई है वो प्लेन में जाने की कोशिश करेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन आ जाएगा। एंगल स्ट्रेन है ना, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, मतलब जब पास में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स के लिए रिपेल करने लगेंगे। हाँ, कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, जब ये वाली जो रिंग है, ये वाली रिंग एट मेंबर से बड़े एटम्स की रिंग हो जाए, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिंग होगी, तो वहाँ पर बड़ी रिंग होने की वजह से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दूर होंगे, रिपल्सन कम लगेगा, और रिपल्सन अगर कम लगेगा तो वहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसी पे मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है कि कहाँ पर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा या कौन सा बाईसाइक्लो एग्जिस्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। तो एक हमने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड एक हमने ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन बना दिया, एक मैंने ये बना दिया ऐसे, ठीक है। एक ये बना दिया, यहाँ पे कर दिया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक मैंने ये बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पर मैंने ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया सपोज कर लो, ठीक है। एक और बना लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको बताना है कहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, कहाँ पे नहीं। तो हमने देखा कि ये हमारे पास ब्रिज है बेटा, और ब्रिज वाले जो ब्रिज हेड कार्बन है उनके बीच कोई भी कार्बन एटम नहीं है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये ब्रिज है बेटा, और ब्रिज वाले जो कार्बन एटम है उनके बीच कोई भी कार्बन एटम नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे जुड़ रहे होते बेटा रिंग, तो ये दो जुड़ रहे हैं, तो जहाँ पे जुड़ रहे हैं वहाँ पे ब्रिज है बेटा, ठीक है। तो ब्रिज वाले कार्बन एटम में क्या कार्बन एटम है, तो हाँ ठीक है, दिख रहे हैं, साफ हैं कि यहाँ पर कार्बन एटम है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा तो ये ब्रिज है जहाँ से जुड़ रहे हैं बेटा, दो रिंग्स आपस में जुड़ रही हैं, और उसके ब्रिज हेड कार्बन के बीच भी कार्बन एटम आ रहे हैं, तो ये भी एग्जिट नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास ब्रिज हेड कार्बन है, और ब्रिज हेड कार्बन के अंदर भी कार्बन आ रहा है बेटा, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये ब्रिज हेड है हमारे पास, ब्रिज हेड कार्बन के बीच कोई कार्बन एटम नहीं है, सिंगल बॉन्ड सीधे बना हुआ है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज
एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो फिर से ये हमारे पास जहाँ पर दो रिंग जुड़ रही होती है बाईसाइक्लो है, तो यहाँ पर भी कोई भी कार्बन बीच में नहीं है तो ये भी एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा आगे हम लोग जो अभी बेसिक बेसिक छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं, आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। हम लोग चाहे जी ओ सी की बात करें या बी ओ सी पार्ट टू मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटिव बात करें, वहाँ भी इसका काम या यूज रहता है बेटा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लें एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, तो आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो इसको नोट कर लीजिए एक बार, हो गया नोट। चलिए आगे बात करते हैं। तो हम लोग आगे बात करते हैं बेटा कुछ और इम्पोर्टेंट जो है कार्बन एटम्स के जो है बारे में बेटा। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स आता है बेटा एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक, तो एक्राइलिक क्या होता है? अब मैं एक्राइलिक हुआ, क्रोटोनिक हुआ, पहले एक एक करके चलो बात करते हैं। क्रोटाइलिक के बारे में बाद में बात करेंगे। तो एक्राइलिक क्या होता है? जिसमें थ्री कार्बन एटम होंगे बेटा और एक पाई बॉन्ड होगा बेटा। थ्री कार्बन एटम विद पाई बॉन्ड, तो विद पाई बॉन्ड इसको हम लोग बोलते हैं एक्राइलिक कार्बन। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड CH, ठीक है, थ्री कार्बन तो पाई बॉन्ड के साथ CH2 हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड बॉन्ड CH ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्राइलिक बोलते हैं यहाँ पर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक्राइलिक। तो एक्राइलिक जो है वो पूरा ग्रुप फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर जैसे मैंने जोड़ दिया तो इसको बोलेंगे एक्राइलिक क्लोराइड या एक्रिलो क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CN, तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था एक्रिलो क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा अगर CN जोड़ते हैं? तो CN में भी कार्बन, तो ये कार्बन C में काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो थ्री कार्बन एटम है प्लस पाई बॉन्ड भी है, एक पाई बॉन्ड है बेटा। कितने पाई बॉन्ड होंगे बेटा? एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एक्राइलिक। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एक्रिलो, CN को बोलते हैं बेटा नाइट्राइल, तो एक्रिलो नाइट्राइल। जैसे मैंने यहाँ पर OH जोड़ दिया तो उसका क्या हो जाएगा? एक्राइलिक या एक्रिलो एल्कोहल, एक्राइलिक एल्कोहल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं समझ आ गया बेटा, सपोज कर लो यहाँ पर एक और जोड़ देते हैं CHO, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्रिलहाइड हो जाएगा। CHO जोड़ने पर ये CHO एलिहाइड ग्रुप होता है, टेंथ में इतना पढ़े होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एक्रिलहाइड। तो ये जो हमारे पास अभी कार्बन के टाइप्स चल रहे हैं, ये कॉमन नेमिंग जो हम लोग इसके बाद अभी पढ़ने वाले हैं IUPAC, IUPAC में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं बेटा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्रोटालिक की हम बात करते हैं, क्रो टिलिक कार्बन। तो क्रोटोलिक भी हमारे पास ग्रुप फॉर्म में होगा, इसमें होता है बेटा फोर कार्बन प्लस वन पाई बॉन्ड। ठीक है, और एक हमारे पास आएगा एट नंबर पे एमाइल। ठीक है, एमाइल ग्रुप बेटा। तो एमाइल में क्या होता है? सीधे सीधे फाइव कार्बन होते हैं। तो एमाइल को हम लोग नॉर्मली अभी नॉर्मल सीधा सीधा लेते चले जाएँ, 1 2 3 4 5 6 फाइव कार्बन होने पर बेटा। तो इसके कई टाइप्स भी होते हैं, बट उसको हम लोग कॉमन नेमिंग में सीखेंगे। कॉमन नेमिंग में सेकेंडरी कैसे होता है, एक्टिव एमाइल क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल से किसमें सीखने वाले हैं बेटा? जो है हम लोग सीखने वाले हैं कॉमन नेमिंग, जो IUPAC वाला टॉपिक है उसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्रोटेलिक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं CH2 CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, पाई बॉन्ड कहाँ रहेगा बेटा? बीच में रहेगा CH2 ऐसे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? क्रोटेलिक एल्कोहल। क्या हो जाएगा? क्रोटेलिक एल्कोहल हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर CHO कर दिया सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा? क्रोटेन लिहाइड हो जाएगा। क्रोटेन लिहाइड, तो फोर कार्बन होने चाहिए एक पाई बॉन्ड के साथ, तो उसे हम लोग क्रोटेलिक कार्बन या क्रोटेलिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिक सा सीखे हैं किसके बारे में? टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो आराम से पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल भी जो है टेंशन या फिर जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए तो कुछ हमने अभी क्या बेटा इम्पॉर्टेंट कार्बन के टाइप्स को सीखा। तो अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें आपको बताना है कौन सा विनाइलिक एलाइलिक, ठीक है, कौन सा फिनाइलिक, कौन सा एक्राइलिक, कौन सा क्या बेटा बेंजाइलिक कार्बन है। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
ठीक है, ये कंपाउंड हमको दिया गया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए नंबर ऑफ, ठीक है, विनाइलिक कार्बन, हमको विनाइलिक बताने बेटा, नंबर ऑफ विनाइलिक कार्बन कितने हैं बेटा, ठीक है, विनाइलिक कार्बन कितने बेटा, नंबर ऑफ बेंजाइलिक, बेंजाइलिक भी बताने हैं, बेंजाइलिक कार्बन कितने बेटा, एलाइलिक भी बताइएगा, एलाइलिक कार्बन कितने बेटा, ठीक है, और फिनाइलिक भी बताने बेटा, फिनाइलिक कितने बेटा, ठीक है, फिनाइलिक कार्बन और ब्रिजेट कार्बन भी हमको बताने हैं कि ब्रिजेट कार्बन या ब्रिडिट्स कार्बन कितने बेटा, ब्रिजेट कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, तो कर सकते हैं बेटा, आसान क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास क्या होगा विनाइलिक, ये हमारे पास क्या होगा बेटा विनाइलिक sp2 है, अभी हम लोग आराम से कर सकते हैं, ये एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग एलाइलिक भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको बेंजाइलिक बोल सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा हमारे लिए कि इसको हम लोग एलाइलिक बोलेंगे या बेंजाइलिक बोलेंगे, तो अभी नॉर्मली हमने बताया था इसको हम लोग बेंजाइलिक बोलते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो क्या बोलते हैं बेटा, इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। तो ये हमारे पास फिनाइलिक हो जाएगा, ये भी हमारे पास फिनाइलिक हो जाएगा, बेंजीन रिंग एरोमेटिक के साथ है तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास फिनाइलिक हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा बेंजाइलिक हो जाएगा, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा विनाइलिक, 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 ये हमारे पास किसके साथ जुड़ा बेटा विनाइलिक के साथ जुड़ा हुआ तो ये एलाइलिक हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे पास एलाइलिक हो जाएगा और ये हमारे पास एलाइलिक हो जाएगा, क्योंकि ये किससे जुड़ा हुआ बेटा विनाइलिक, विनाइलिक से जो डायरेक्ट जुड़े होते हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा एलाइलिक, तो ये हमारे पास विनाइलिक, ये विनाइलिक और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा एलाइलिक हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा ब्रिडिट्स हो जाएंगे या ब्रिजेड हो जाएंगे, ये वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे ब्रिज हेड हो जाएंगे, तो ये दोनों हमारे पास ब्रिज हेड हो जाएंगे, ब्रिज हेड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब लोग आंसर तो कर ही सकते हैं आराम से, कितने विनाइलिक हैं और कितने बेटा एलाइलिक हैं, ठीक है, तो कमेंट करके हमको बताइए, अब तो बता ही सकते हैं बेटा कितने हमारे पास फिनाइलिक, बेंजाइलिक है ना, एलाइलिक और विनाइलिक कार्बन एटम है, कितने ब्रिज हेड हैं, ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट